हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं सुबह सुबह तैयार हुआ था जाने के लिए ऑफिस, और मुझे लेके जाना था गोभी को डॉक्टर के यहाँ से, पर वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रही है अभी। मैंने कह रहा उस डॉक्टर के यहाँ जाने की, कह रहे मुझे थोड़ा सा आराम है आज, और मैं आज नहीं कल वल को जाऊंगी, एक दो दिन और रहूंगी ऐसे ही। और अंशी ने सुबह सुबह आज पनीर बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा, आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए, खद्दे लग रही है पनीर में, फर्स्ट क्लास। और मेरे जाने से पहले पहले इसने पनीर तैयार बना के तैयार कर दिया, और बड़ी खुशी हो रही है पनीर बना के। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कर दिया आज। कैसा लग रहा है पनीर बना के आपको? ठीक लग रहा ये शर्मा थोड़ी ज्यादा से है, रिंगे रिंगे देखने लगा जब इसकी इससे बात करते हैं। तो पनीर मुझे लगा के देगी अभी, ये गोभी लग गई है लगाने के लिए, टिफिन लगा के दे देगी जाने के लिए। और पनीर बहुत ही टॉप बनाया है, ये बता रही है खुद ही बिना खाए। अच्छा, वो भी कह रही है कि पनीर बढ़िया बनाया इसने, जैसे भी बनाया। अक्षित आ गया है अपनी बुआ के यहाँ से, इसका वहां मंदिर लगा, जल्दी आ गया है। और बस इधर रोटियां बन रही है सभी के लिए, और उधर पनीर बन गया, अब सब खाएंगे मिलके, और मुझे लेके जाना पड़ेगा। हेलो जी। तो जी देखिए, आज अंशी का नंबर आ ही गया है पनीर बनाने का, और ये कह रही थी मम्मी आप मत बनाना पनीर, पनीर तो आज मैं ही बनाऊंगी चाची के बाद, तो पनीर बस मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है। तो अपनी तारीफ खुद ही कर रही थी, और हमें भी अच्छा लग रहा था कि चलिए आज खाना ये बना रही है, और रोटियां इनकी मम्मी बनाएंगी, यानी कि दीदी बनाएंगी रोटियां। तो जी अंशी देखे पनीर किस तरीके से बना रही है। पनीर में सबसे पहले इसने डाल दिया है तेल, और तेल के बाद में लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट डाल दिया, फिर उसके बाद में जब लहसुन प्याज अदरक हो गया था तो टमाटर डाल दिया है। और यहाँ पे दीदी इसको बता रहे हैं कि इसको इस तरीके से, और ये जो ग्राइंडर में इसने वो किया था ना टमाटर जो पिसा था, उसका थोड़ा लगा हुआ रह गया था, तो उसमें थोड़ा पानी डाल करके दे दिया है अंशी को। और मटर भी उबाल करके रख दी है अंशी ने, पनीर पहले ही काट लिया था। तो कन्नू भी इससे बातें कर रहा था कि दीदी आप किसके लिए पनीर बना रहे हो, तो कहने लगे मैं तेरे लिए पनीर बना रही हूँ मिर्ची वाला। तो कहने लगे नहीं आज बिना मिर्ची का पनीर बनाऊंगी मैं भी। तो ये देखिए इन्होंने भी मिर्ची नहीं डाली है आज कन्नू की वजह से, और सबसे लास्ट में ही मिर्ची डालेंगी। और बस सारा का सारा सामान डाल दिया है, मसाले वगैरह सब चीज़ डाल दिया है, और मटर जो उबाली थी अब इसमें ग्रेवी में डालने लगी है। ग्रेवी तैयार हो गई थी इसकी, थोड़ा ही बनाया जाएगा क्योंकि अभी कम कम खाना खाते हैं सभी लोग, ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है बिल्कुल भी। और बहुत ही टेस्टी पनीर बनाया था जब इसने, मतलब बना करके रख दिया था, हमने सभी ने खाया है, और मैंने तो पनीर पनीर के पीस पीस खाए हैं क्योंकि ग्रेवी में बहुत ज़्यादा मसाला था, और बहुत ही अच्छा चटपटा, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और जी देखिए पनीर बस थोड़ी देर में इसने लो फ्लेम कर दिया, और धीमी धीमी आंच पर इसको पकाएगी। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब पनीर बना था, सबने वाह वाह किया है। जी मैं चल दिया हूँ ड्यूटी रेडी होके, और ये ना एक बड़ी समस्या आ गई मुझे ड्यूटी जाने में, मेरी जो मोटरसाइकिल पार्क हो रही है, मेरी मोटरसाइकिल के बराबर में ही इसके घोड़े और ये गाड़ी पार्क हो रखी है, और इसको कौन उठाएगा जब मुझे मोटरसाइकिल निकालनी पड़ेगी। भाई साहब इधर आ जाओ, ये अपने घोड़े और बुक के हटाओ, मुझे मोटरसाइकिल निकालनी है अपनी। चलो जी रास्ता साफ हो गया है, अब मैं अपनी गाड़ी निकाल सकता हूँ और जा सकता हूँ। ठीक है कन्नू, बाय बाय। ये कह रहा पापा आप, मुझे लगा टिफिन भूल के चले गए, मेरा टिफिन चेक कर रहा, मैंने टिफिन रख लिया बच्चे से। अभी मिठाई तो भूल के चले जाओगे। मिठाई? अभी मुझे बोला गया कि जाना मत, मैं अभी आ रहा हूँ, मिठाई यहीं रह गई, मिठाई लेके जाना। ये मिठाई ले आया बस। तो जी यहाँ से इनकी लड़ाई बच गई है अच्छी खासी, और मुझे ये तो असली वाली मिठाई है, देखो भाई ये देखो रसगुल्ला आ गया, असली असली रसगुल्ला। अच्छा सचो ही, और ये वाली कौन सी है? अभी तो गोले का वृद्धा लग रहा है पागल। देखो ये तो अच्छी लगी भाई, ये गोल गोल मिठाई है। हैं मुर्ता का मुर्ती की मिठाई है।
तो जी देखिए कन्नू की ताई जी पोछा लगाने लगी है, और हमारे कमरे में इन्होंने पोछा लगा दिया है, इधर मम्मी वाले कमरे में भी सारी जगह, और उधर अंसी लगा रही है पोछा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके काम बांट लेते हैं, वो कुछ वो कर लेती है कुछ ये कर लेती है। तो जी देखिए बस पोछा तो लगा ही दिया है इन्होंने करीब करीब सारी जगह ही, और बस ये है ना मशीन से पोछा नहीं लगाना पसंद करती, क्योंकि ये कहती है कि उससे अच्छा पोछा नहीं लगता, मुझे तो हाथ से ही लगाना बहुत पसंद है। तो जी देखिए आज मेरी भी थोड़ी तबीयत सही थी, तो मैंने भी अपने कमरे में साफ सफाई तो मैंने कर दी थी, झाड़ू और पोछा इन्होंने किया था, फिर मुझे थोड़ी थकान होने लगती है, हल्के फुल्के चक्कर भी आने लगते हैं। तो जी कम से कम ही काम कर रही हूँ मैं, मेरे से बिल्कुल भी काम ज्यादा नहीं किया जाता। तो जी बस धीरे धीरे जैसे भी रिकवर होती जाऊंगी और काम भी होता चला जाएगा। और आज बना रही है ये पालक पनीर बना रही है, देखिए इन्होंने साग की तरह बनाया है बस पालक पनीर तो, और पहले साग को घोट लिया है अच्छे तरीके, इसमें आलन वालन सब चीज डाल दी है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है उसमें बस तड़का लगा करके पनीर बना दिया है, बहुत ही अच्छा पालक पनीर बना रखा था, मुझे भी तो बहुत ही अच्छा लगा है और सभी को बहुत पसंद आया है, क्योंकि साग तो इनके हाथ का लाजवाब बनता ही है, हमने पहले भी दिखाया था आपको, और बस उसमें तड़का लगा कर के पनीर जब डाला था इन्होंने, वाकई में बहुत ही टेस्टी लग रहा था, जैसे कभी कभी किसी किसी के हाथ से हींग बहुत अच्छा लगता है ना, वो इनके हाथ में वो टेस्ट है। और जी ये देखिए साग तो इनका बन करके तैयार हो गया है, बस इन्होंने क्या किया है तेल डाल दिया है, तेल में प्याज डाल दिया क्योंकि लहसुन तो इन्होंने उसमें पहले डाला है, और पनीर के पीसेस अंसी ने काट दिए हैं, टमाटर की तैयारी भी कर दी थी अंसी ने, और बस इन्होंने तड़का का सामान जो है रेडी कर दिया है, और बस अभी ये देखिए पालक पनीर, अब इन्होंने पनीर डाल दिया है, पनीर के बाद इसमें डाल देंगे साग, कोई किस तरीके से बनाता है कोई किस तरीके से बनाता है, मैं साग में तड़का पहले लगाती हूँ फिर पनीर के पीसेस डालती हूँ, और ये इस तरीके से बनाती है, कोई किसी तरीके से बनाए लेकिन टेस्ट आना चाहिए, और वो टेस्ट इनके हाथ में बहुत ही अच्छा है। तो जी अक्षित भी आज घर पर ही है, और वो ये कह रहा था कि यहाँ पे आके तो मन सा नहीं लग रहा है विभोर के बिना, और विभोर कब आएगा मुझे नहीं पता, और बार बार फोन करके उसको परेशान कर रहा है वहाँ पे उसकी मौसी के यहाँ पे, तो वो ये कह रहा था कि मेरे तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मन लग रहा है और मैं नहीं आने का अभी, और मैं तो छुट्टियाँ जब खत्म हो जाएगी जब भी आऊंगा। तो जी मतलब अक्षित का आकर के यहाँ पे मन सा टूट गया है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो वो कहने लगा कल ही जिद करने लगा कि मुझे तो बोल के यहाँ पे दोबारा जाना है, और मैं तो बेकार में बेमतलब में ही आ गया, और यहाँ पे तो भी बोर के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो ये देखिए बस ये गोल गोल रोटियाँ फुली फुली रोटियाँ और तैयार हो गई। तो जी आज करने के बाद वो थोड़ी सी मस्ती के मूड में थे, और वो ये कह रहे थे कि आज तो भाभी के हाथ का पालक पनीर खाने को मिलेगा, तो जी आज तो बस मुझे रोटियां जल्दी से जल्दी ला दो, और कन्नू भी थोड़ा सा मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था कि ये कह रहा था कि इनको पालक पनीर खाना है। तो जी मैं आया था ड्यूटी से, आज तो काफी देर हो गई आए हुए, पिताजी के पास आने का टाइम नहीं लग रहा था, कन्नू की जिद्दी पूरी कर रहा था, और अभी भी पिताजी के पास आया हूँ कन्नू को समझाने के लिए कि पिताजी कन्नू को समझा दो, ये मुझे भी 2 बार बाहर दुकान पे ले जाने की बात कर रहे हैं, और जबकि बाहर की जो दुकान नहीं है वे बंद भी हो चुकी है, अभी भी जाने की बात कर रहे हैं, और बाहर से डर लग रहा है, और देखो ये कैसे इसने अपनी वो छुटाई से इतनी तेज मारी है, ये ऐसी ऐसी चीज करता है, हमें भी डर लगता है इससे। टोपी लेके आया था 4, पिताजी 4 टोपी में से 2 महीने दे रखे हैं, एक टोपी का कलर पसंद नहीं आया, उसी के ऊपर लड़ाई करनी, इसे बदल कर लाओ। देखो जी अभी शाम का टाइम है, अब तो पिताजी इसको ले जा नहीं सकते, और अब ये मुझे खेचता नहीं कर रहा मेरे साथ में कि चलो 1 मिनट तो चलो, और कहाँ जाना है भाई हमें, चोरों को भी कोई देखता है, क्यों देखेंगे चोरों को, तो पुलिस का काम है चोरों को देखने का, पुलिस अपना आप देखेगी, आप थोड़ा ना पुलिस हो। नहीं गोली मारने का काम भी पुलिस वालों का ही है, हमारा थोड़ा ना है, हमारा काम तो आराम से खाना पीना रहना, खाना पीने का है, काम करने का। बंदूक तो नकली वाली है ये। हाँ नकली है, आगे से टूट गई, ऐसे चलती है नकली की तरह छुपा से, सबका पागल बनाता फिर रहा है ऐसे ही, कुछ है ना हुआ वे। देना, देना दिखा के लाता ना। चलो जी मैं इसको दिखा के लाता हूँ, चोर लगाएगा बहुत ही बड़ा निशाना, बहुत ही बड़ा निशाना लगाएगा उनपे, वो भी मर जाएगी, बस रहने दे, छोटा सबसे छोटा और बात सबसे बड़ी बड़ी, और मेरे से भी कितना छोटा है।
देखो कितना छोटा है मेरे से, देख लो आप, खुद दिखाई दे रहा होगा कितना छोटा है आदमी। चलो आओ, निशाना लगा गया, ये खुद पे भी चलना आता नहीं है, निशाने लगाने की बात करता है। चलो जी निशाना लगा देगा, पिताजी जा रहे हैं। हैं? पिताजी का, पिताजी अपना ध्यान रखेंगे खुद। मम्मी के पास और बैठे हैं। कन्नू को तो आज पीट पीट के सुलाया है, रात को जिद कर रहा था टोपी लेने जाने की, और वो भी बाहर बहुत दूर दुकान पे, पास वाली जो दुकान है उससे काम नहीं चल रहा, बोल रहा है उस पे अच्छी वाली नहीं आ रही है, उस पे अच्छी वाली आ रही है दूसरी दुकान पे, वहीं से लो लेके। बहुत मुश्किल से डरा डरा के तो उसको फिर बहुत मुश्किल से सुलाया है, और इसकी मम्मी ने सुलाया इसको पीट पीट के। तो आज बॉबी की तबीयत कुछ थोड़ी बहुत शायद मुझे ठीक से लग रही है, बाकी तो उसकी मदद सुनेंगे क्या कह रही है। तो जी मेरी तबीयत आज बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ही आराम मिला है। तो जी बुखार की दवाई लेकर के आए थे मेरे लिए, और मैंने आधी गोली शाम के टाइम ली थी और आधी गोली सुबह के टाइम ली थी, जिससे कि मेरा बुखार उतर गया और हाथों पैरों का जो दर्द था वो भी चला गया। लेकिन आज फिर भी मैंने रेस्ट किया क्योंकि मुझे अभी भी थोड़े हल्के फुल्के चक्कर आ रहे थे, तो ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता है, और बस थोड़े दिन मैं आराम ही करूंगी जहाँ तक हो सकेगा, और काम वाम तो बाद में गया, काम वाम तो चलता रहेगा, सारी उम्र काम ही करना है, पहले अपनी थोड़ी सेहत का भी ध्यान रख लिया जाए। तो आज भी मैंने कुछ नहीं किया, आज भी सारा काम कन्नू की ताई जी ने यानी कि जेठानी जी ने ही किया है सारा का सारा काम, और अंशी ने किया है कुछ उन्होंने किया है, तो मैंने तो बस आराम ही किया है आज सारा दिन। चले जी आपको हालचाल का पता लग गया होगा बॉबी के, और कुछ ठीक लग रहा है, कल को और देखते है, कल भी रेस्ट करेगी, और अगर थोड़ा बहुत हो सकता है डॉक्टर से संपर्क में है, बातचीत चल रही है, ले जाने की जरूरत पड़ी तो लेके भी जाएंगे डॉक्टर के। वैसे कुछ दिनों बाद डॉक्टर का जो विजिट है वो भी होने वाली है, उसके जब नंबर आएगा तो उस पर विजिट पे भी जाएंगे। और अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।